बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। जहाँ तक इस सूरत के फजाइल और फवायद का ताल्लुक है, इसका एक फायदा यह है कि जिस घर में ये तिलावत होती है वहाँ फकर व फाका नहीं आता। एक मरतबा रोजाना पाबंदी के साथ अगर ईशा के बाद कोई इसकी तिलावत करता रहे, उस घर में कभी फकर व फाका नहीं आएगा, तंग दस्ती नहीं आएगी। और एक ये लिखा कि अगर मियाँ बीवी में नाचाकी है या दो अफराद ऐसे हैं जिनके अंदर सुलह और इतिहाद होना ज़रूरी है, ऐसे दो मोमिन जो आपस में एक दूसरे से नाराज़ हैं, तो 21 मरतबा सूरत मुजम्मल की मुजम्मिल की तिलावत करके किसी मीठी चीज़ पे या खाने पीने की किसी भी चीज़ पे दम करके दोनों को खिला दें, अल्लाह तबारक व तआला दोनों में सुलह और आश्ती पैदा कर देते हैं। ज़ाहिर है कि खानदानों में घरों में ऐसे अहवाल पैदा होते हैं। हाँ, अगर घरों घर के अंदर जो है पूरे खानदान में बहन भाइयों में भी अगर ऐसी सूरत हाल है, सूरत मुजम्मिल 21 मरतबा पढ़ के जो है वो मीठी चीज़ पे दम करके सबको खिलाएं। अच्छा, बल्कि मैं तो यही तजवीज़ करूँगा नाज़रीन को कि रोज़ाना इसका मामूल बना लें कि घर में खानदान में मियाँ बीवी बच्चे सब के खाने पर रोज़ 21 दफ़ा पढ़ के दम करें। 20 आयतों की ये सूरत है और 21 मरतबा कोई ज़्यादा नहीं है। और ख़वातीन को तो आम तौर पे 11-11 मरतबा पढ़ने का वैसी आदत है, तो 21 मरतबा रोज करते हैं तो इंशाल्लाह पूरे खानदान में जोड़ रहेगा, ना भाई भाई से लड़ेगा ना बहन बहन की दुश्मन होगी, तो इंशाल्लाह जबरदस्त इसके अंदर तासीर। और एक इसके अंदर बड़ी जबरदस्त बात लिखी है कि आप अगर दफ्तर में मुलाजमत करते हैं या किसी जगह जॉब है या किसी हाकिमी के पास जाना है, तो वहाँ आप पर जो है ये खतरा है कि उनकी तरफ से आप पर गुज़्याती होगी या ये कि आपको वह इज्जत नहीं मिलेगी, तो उसके लिए लिखा है कि इसके पहला रुकू जो है वो 21 मरतबा तिलावत करें, दूसरा रुकू 11 मरतबा तिलावत करें। अच्छा, ये तिलावत करके आप अपने बदन पे दम करके जाया करें अपने ऑफिस, तो इंशाल्लाह आपको जो है ऐसी बेमिसाल इज्जत मिलेगी। अच्छा। और कोई बॉस आप पर ज्यादती नहीं कर सकेगा, और जो मकसद होगा उस जो मकसद लेकर आप जाएंगे दफ्तर वो मकसद आपका पूरा होगा। सुभान अल्लाह। और ख़ास तौर पे इंटरव्यू वगैरह जब होते हैं, लोग जॉब्स के लिए इंटरव्यू देते हैं, तो जनाब इसको इसी तरीके से तिलावत करें, पहला रुकू जो 21 मरतबा, दूसरा रुकू 11 मरतबा तिलावत कर लें, और तिलावत करके जो है वो उसके बाद इंटरव्यू पर जाएँ, इंशाल्लाह इज्जत मिलेगी और इंटरव्यू में कामयाब हो जाएंगे। एक ये लिखा है। और एक ये कि अगर बीमार है उस बीमार पर रोज़ाना 11 मरतबा अगर तिलावत करते रहें और पानी दम करके उस बीमार को पिलाते रहें, तो जो बीमारी डॉक्टरों को समझ नहीं भी आ रही, अल्लाह तबारक व ताला अव्वल तो डॉक्टरों को समझा देंगे, उन पे इल्का हो जाएगा क्या मसला है, वरना जो अल्लाह तबारक व ताला खुद अव्वल तो बराह रास्त जो है उस पानी दम किए हुए से उसको शिफा दे देंगे। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ज़ाहिर आजकल बीमारियाँ ऐसी होती तशीस से ही नहीं हो पाती, या तशीस अभी हो रही है, तशीस के प्रोसेस में हफ्तों महीनों लग रहे हैं, तो इस दौरान में मरीज़ क्या करेगा, इससे ये तिलावत शुरू कर दें, अल्लाह तबारक बताल उसको सेहत वापस दे देंगे। और एक ये कि 11 मरतबा रोज़ाना अगर इसकी तिलावत घर में रखी जाए और तमाम तरह की खैर बरकत के हुसूल के लिए, हर तरह की मुसीबत आफतों के दफ़ा करने के लिए, वैसे तो 40 मरतबा का है वो रोज़ का। अच्छा। लेकिन 40 मरतबा करना मुश्किल है, तो 11 मरतबा रोज़ाना इसकी तिलावत का अहतमाम करें, तो हर तरह के मसायब से ये हिफाजत रहेगी, जो मुसीबतें आई हुई हैं वो दफ़ा हो जाएंगी, और आइंदा के लिए अल्लाह तबारक व ताला दीन दुनिया की खैर अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। ये इसके फजाइल फवायद हैं, और ये अजीब सूरत इसके बहुत फजाइल फवायद हैं, क्योंकि तो मोटे मोटे ही मैंने बता दिए हैं, बाकी मजीद किताबों के अंदर मौजूद हैं, औलिया अल्लाह की जो है तजर्बात में मौजूद हैं। लेकिन इसमें असर जो आपने बताई जो अपने से मुतालिक होता है, ख़ुद पीना या अपने इमीडिएट फैमिली को पिलाना, ये तो मुमकिन है। बाज़ोकात ऐसे आदमी को पिलाना मकसूद है जो आपकी नज़रों में नहीं है, जब वो आपके हाथ से पीना नहीं चाहता, उसकी दो सूरतें। एक सूरत है कि पानी दम कर लें, उस पानी को पौधों में डालें, पौधों में डालें ये तसव्वुर करके कि इसका असर अल्लाह तबारक व ताला उस मतलूबा शख्स को पहुंचा दे। अच्छा। अगर ये भी मुमकिन नहीं तो फिर तसव्वुर में उसको ला के उसके ऊपर दम कर दें। अच्छा। असल तो दम है, तो दम कर दें तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी तासीर पहुंचा देंगे। तो तसव्वुर से मतलब कि आजकल आईफोन पे आप तस्वीर निकाल लें, ठीक है, बिल्कुल सही, उस पे आप कर लें तस्वीर, बिल्कुल तस्वीर सामने ले आ तो उसके ऊपर दम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। और जहाँ तक ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक है, इसका मतलब है कि ये शख्स पहले तहज्जुद गुजार था, अब तहज्जुद में गफलत करने लगा है। अच्छा। तो गोया कि उसको ये सबक है और ये उसको गोया कि दर्स है कि ये दोबारा तहज्जुद की पाबंदी शुरू कर दे। अच्छा। और जो खैर बरकत उस तहज्जुद की वजह से इसको हासिल हो रही थी वो दोबारा से वो शुरू हो जाएंगी। अच्छा। इसलिए और एक मतलब ये कि अल्लाह तबारक व ताला जो है इसको विलायत व मार्फत इस पर आसान करेंगे, अगर ये सच्ची नीयत से नेक अमाल की पाबंदी और अल्लाह तबारक व ताला को तलाश करने की कोशिश करेगा, और हर इबादत अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल की नीयत से करें,
کہ یا اللہ کی میں تیری محبت ملی اس لیے میں عبادت کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ولایت و معرفت عطا کر دیں گے. اور ایک مطلب یہ کہ اس پر تنگ دستی آئے گی، رزق کی تنگی آئے گی، اور اس کو عزت اور جو ہے اس کے وجاہت کے حوالے سے مشکلات پیش آئیں گی، لیکن وہ وقتی ہوں گی. یہ سورہ مزمل کی تلاوت کا اہتمام کرتا رہے، اللہ سے دعا مانگتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالی وہ جو ہے اس کی یہ ساری آزمائش ختم کر دیں گے، پھر سے اللہ تبارک و تعالی رزق کی فراوانی کر دیں گے اور عزت و مرتبہ اس کو عطا کر دیں گے. ماشاءاللہ، یہ اس کے خواب میں تعبیر.